बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आया हूँ रूफ पे, तो यहाँ पे पहली वीडियोस में देख चुके हैं वाटर सप्लाई का, हमारा जो एक्सटर्नल वाटर सप्लाई का काम था। आज इसका जो काम बाकी था वो था एजुलेटर का, एसी से रिलेटेड। तो एसी के एजुलेटर यहाँ पे चार एजुलेटर इस साइड में आने थे हमारे और चार उस साइड में, आठ ऐसी एसी हैं ये विला के ऊपर ग्राउंड के, फोर हैं और फोर हमारे हैं ये फर्स्ट फ्लोर के। तो ये अभी एक एसी तो नया लग चुका है यहाँ पे और इसका कनेक्शन भी दे दिया गया है, ये वाला एसी। और उसके बाद में नेक्स्ट दूसरी साइड पे एसी है, वो अभी उनके कनेक्शन हमने नहीं दिए क्योंकि एसी वाले जो आएंगे वो अपने हिसाब से एजुलेटरों में कनेक्शन देंगे। उसको राइट साइड में उन्होंने कनेक्ट करना है या लेफ़्ट साइड में करना है, तो उसके हिसाब से फिर वो इसको, क्योंकि इसके ऊपर ये जो पाइप है आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, ये एसी ये वन ये मार्क किया हुआ था पहले से हमने। ये टेप भी बहुत पुरानी हो गई, जब पहले 2-3 मंथ बिफोर ये किया था रिमूव, और एसी वन ही यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में ये एसी टू है, इसका भी ये एसी टू यहाँ पे रख दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये वाला। और ये वाला ये एसी फोर था ये, जो कि अभी नया लगा दिया, पुराना ये ख़राब हो चुका था, तो ओनर ने कहा कि ये चलता है कूलिंग भी करता है लेकिन ये जाली वगैरह टूटी तो ज़्यादा पुराना था, तो इसको अभी कैंसिल कर दिया, इसका कनेक्शन कर दिया हुआ है। ये इसकी केबल जो एसी के साथ आई हुई थी उसको कनेक्ट कर दिया हुआ है एजुलेटर के साथ। इसकी केबल इंसुलेटेड केबल है, ऊपर इसका कवर चढ़ा हुआ है बहुत ज़बरदस्त, ख़राब नहीं होता। तो ये एसी नया लगा है इसका, वहाँ से पूरा पाइप पुराना निकाल के नया ही पाइप पूरा इसका लग गया। और दूसरा एसी नंबर 3 है यहाँ में हमारा, और इसका भी अभी ये कनेक्शन अब जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। जैसे ये एसी कंप्लीट हुआ तो इसको यहाँ से पैक कर दिया, जैसे इनका काम कंप्लीट होगा तो इसको भी प्रॉपर पैक किया जाएगा ताकि पानी नीचे ना जाए। उसके बाद ये फोर एसोलेटर हमारे ये दो इस साइड में लगे हैं, दो साइड में लगे हैं और 35 एम्पेयर के, ये एसोलेटर हैं और 2.5 टन के एसी हैं। बीच में दो एसी हैं 3 टन के, एक ये है और एक उस साइड में था जो कैंसिल हो गया। तो बाकी 2.5 टन के जो एसी होते हैं उस पर 35 एम्पेयर के ये एजुलेटर चल जाते हैं, इसका लोड बर्दाश्त कर लेता है ये एजुलेटर। दो इस साइड में लगेंगे, उसके बाद में टू इस साइड में ऑलरेडी लगा दिए, और इनका कनेक्शन भी जो इलेक्ट्रिक है वो बाद में किया जाएगा जैसे एसी वाले आएंगे। तो साथ में एक ये हमारा यहाँ पे एजुलेटर है, ये मोटर का है, यहाँ मोटर लग गई है, इसका भी वाटर टैंक का कनेक्शन पहले मैं अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो थोड़ा सा लाइट सा आपको ये भी बता देते हैं। वीडियो तो हमारी एसी से रिलेटेड एजुलेटर के, तो ये यहाँ पर यूनियन लगा के फीमेल सॉकेट लगा के इसको कनेक्ट किया है, और साथ में ये पानी का पाइप मेन वहाँ जा रहा है, वहाँ भी गेट वाल इसका लगा हुआ है, अगर पानी बंद करना हो तो फिर उसके बाद में ये गेट वाले एक लगाया यूनियन लगा के ये पंप के साथ में। पंप इसके बराबर आ नहीं रहा था, इसका इसकी लोकेशन थोड़ी अलग से थी पंप की, एस्पा कंपनी का था, तो ये इसलिए फिर थोड़ा हमने इसको कट करके दोबारा से डाउन किए फाउंडेशन को, और इसको भी इसके साथ में यहाँ पर यूनियन लगा के कनेक्ट कर दिए पूरी लाइन्स को। ये देखें जी, बिल्कुल ये भी कम्प्लीट हो चुका है। तो आज एजुलेटर का बताएंगे, तकरीबन हम 16 एजुलेटर हैं जो तकरीबन हमें 5 से 6 आवर के अंदर इसको कंप्लीट करके इसका कनेक्शन करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ क्योंकि इसके विला के ऊपर दो एजुलेटर बाकी है, और इसके बाद जो दूसरे एजुलेटर हैं यहाँ पे 7 उसके ऊपर सर्विस ब्लॉक पे आएंगे, तो वो भी आज इंशाल्लाह उनका भी कनेक्शन हो जाएगा। तो आज करते हैं इसको कम्प्लीट।